खटेमा वन रेंज के अंतर्गत छीनी गोट के टनकपुर गांव में इस वक्त गेहूं की फसल खड़ी है। गेहूं की फसल को हाथी द्वारा लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि फसल को बचाने के लिए वायर फिनिशिंग कार्य किए जाएं ताकि हमारी फसल और हमारी जान को बचाया जा सके। ग्रामीण प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया है कि लगातार हाथियों का आतंक फसल पर हो रहा है। अब तो हमें फसल के साथ साथ अपनी जान का भी खतरा बना है। नवभारत समाचार चंपावत से प्रदीप अरोरा की रिपोर्ट। मेरा प्रकाश चंद्र जोशी, मैं चीनी ग्राम सभा का रहने वाला हूं। समस्या साहब मुझे ये है कि मैं हाथियों से बहुत दुखी हो गया हूं, और कम से कम जब भी दाई धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, सारा पैसा लगाने के बाद जूद भी हमें एक दाना मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। अगर उसको हाँकने के लिए जाओ तो उल्टा हमको जो है हमारे ऊपर वार करने की सोच रहा है वो। जैसे तैसे हम लोग बच जाते हैं, लेकिन ये कब तक, इसलिए हमें सरकार से हमारा निवेदन है, वन विभाग से हमारा निवेदन है कि हमें एक फेंसिंग यहाँ पर जरूरी मतलब है करना, और नहीं तो न शायद हो, ये तो फसल तो पता नहीं क्या हो जाए। कभी कभार रात बिरात में अगर हो ना सके, हम अपनी जान ना गंवाएं। प्रधान से एक बार नहीं, दो तीन बार कह दिया है। प्रधान जी को हमने यहाँ से फ़ोटो भेजी, उनको घर से बुला करके भी गांव पूरे ये खेत के धानों के टाइम में भी हमने मतलब उससे फ़ोटो ली। जब ये पानी भर जाता था तो तब भी हमने फ़ोटो ली, सब कुछ करा मतलब। लेकिन वो हाँ हूँ तो कहते हैं, हाँ हूँ सभी कहते हैं, लेकिन जिसको भूख लगती है वही जानता है ना। वन विभाग का पूरी टीम आने के बाद भी, उस समय भी हमने वन विभाग यहाँ आई थी, निरीक्षण में आई थी, और सब जगह उन्होंने निरीक्षण भी किया यहाँ। मतलब मुझे, मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं उसमें, बल्कि धान की फसल थी उसमें, अभी कहा उनसे, बोला ठीक है फेंसिंग लगवा देंगे, लेकिन अभी सुना किसी ने नहीं। आज कम से कम कल भी हाथी आया था, परसों भी हाथी आया था, वो लगातार ये परसों, आप खुद देख रहे हैं खेत में तो कुछ रखा ही नहीं है। चाहते हैं कि हमें फेंसिंग की सख्त ज़रूरत है जी। जैसे कि ये जंगल तराई का है, तो वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, विशेषकर हाथी का ये प्रिय क्षेत्र है, चूँकि अधिकांश आबादी जो है जंगलों के किनारे ही निवासित है, जिस कारण ये बार बार देखा जा रहा है कि हाथी का आवागमन वन क्षेत्र से होता है, जिसके लिए वन विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और लगातार ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पे गश्त इत्यादि की जा रही है। कई जगह हमने सोलर फेंसिंग भी प्रस्तावित की है, और इस संबंध में जहाँ पर भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर स्टाफ के माध्यम से कार्रवाई